यह है अपनी दुर्दशा का भी कुछ ध्यान हुआ करता है, सुधरने का भी कुछ विधान हुआ करता है। कहना है कि घर आंगन को तुलसी सी सदा, घर आंगन को महकाती है बेटी, यह तुलसी का पौधा पूजे सदा, निज घर की खैर मनाती है बेटी। आती है तो लाती है तात खुशी, फट जाती है छाती जब जाती है बेटी। क्या बात है, रोज भले उपवास रखे सब, खाए तभी कुछ खाती है बेटी। बेटी शब्द एक ऐसा है, और कोई भी बहुत लोग ऐसे हैं कि बता दूं कि भगवान तक बेटी एक ऐसा शब्द है, ऐसी अलौकिक शक्ति है। देखिए भगवान श्री राम के भी लौर कुछ दो पुत्र हुए, लेकिन उनके भी बेटी नहीं थी। जो कन्यादान होता है 16 महादानों में सबसे प्रथम सबसे श्रेष्ठ दान होता है कन्यादान। भगवान शिव के कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्र हुए, उनके भी बेटी नहीं, लेकिन वो तो बड़े सौभाग्यशाली माता पिता होते हैं जिनके बेटियां होती हैं। तो आइए अब ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, मेरी तरफ से प्रभु से ये कामना है कि जिस बेटी का जन्म हुआ है वैष्णवी का, उनका नाम ही जैसा नाम वैसा गुण, आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे और उन्नति करे, हम सभी की यही कामनाएं हैं। तो आइए अपने गीत की तरफ सुने गीत। गुरु पूर्णिमा का पर्व चल रहा है और सुने बड़ा ही सुंदर गीत है। जो लगाए धन धर्म में धनवान से कहते हैं, जो कुल का मान बढ़ाए संतान से कहते हैं, जो निर्बल से झुक जा बलवान से कहते हैं, अचानक घर में आ जाए मेहमान से कहते हैं। कहना है कि ना दिन में चैन न रातों में, अखियां बस रहती ख्वाबों में, जिस लड़की से प्यार किया जिसे मैंने चाहा, जिस लड़की से प्यार किया जिसे मैंने चाहा, जिस लड़की से प्यार किया और जिसे मैंने चाहा, बड़ी बेवफा बेवफा बेवफा, बड़ी बेवफा बेवफा बेवफा,
क्या बात है भान सिंह भैया, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। कहना है तुम्हारी सुना के मैं क्या जवाब दूं, अपनी दोस्ती का तुम्हें क्या हिसाब दूं, कोई अच्छा सा फूल होता मांग लेता मैं माली से, तुम तो खुद ही गुलाब हो, तुम्हें गुलाब क्या ये बड़ी बेवफा, 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 बड़ी बेवफा, बेवफा, बेवफा। देखिए किसी चीज पर दोषारोपण करना सही नहीं है। अगर अगर परीक्षा देने के बाद में रिजल्ट सही नहीं आता है तो दोष कापी जांचने वाले को नहीं दी जाती। हमारी पढ़ाई में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, बिल्कुल, इसलिए नंबर अच्छे नहीं आए। देखिए हम मानते हैं कि काफी खुला वातावरण है, लेकिन इतना खराब साउंड भी नहीं था और सभी ने बहुत मेहनत की है। देखिए ये तो कहने की बातें थी, हम कहते रहे कि साउंड नहीं अच्छा बोल रहा, कि कलाकार ज्यादा खा गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे जैसे रात बढ़ती है माहौल शांत होता जाता है, वैसे ही कार्यक्रम की में चार चार लगते रहते हैं। तो कहना है नीचे निश्चर ऊपर है दे, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी सबके बस की नहीं है, क्योंकि यहाँ दिल दे के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। नीचे निश्चर यानी नीचे जो पाताल लोग है, पाताल में सात लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये सात लोग नीचे और ऊपर भू भुआ स्व जन तप मह और सत, ये सात लोग ऊपर, समझो महंत भैया। अगर इन सात की बात करें तो ऊपर देखिए बहुत कुछ सात में, ऊपर देखिए इंद्रधनुष में भी सात रंग, और नीचे देखिए तो नीचे सात में बहुत कुछ है। ये सात स्वरों से संगीत बज रहा है, सात दिन का भागवत महापुराण और बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि समय इतना नहीं है। हम अगर दूसरे को भी समय की परिधि में बांध सकते हैं तो खुद भी बंधने की क्षमता रखें। बिल्कुल, तो कहना है नीचे निश्चर ऊपर है देव और बीच में रहते मनोज देव, माता पिता गुरु अतिथि विप्रेयर पति देवता है, माता पिता, माता पिता गुरु अतिथि ब्राह्मण और पति छह हो गए। तो मात पिता गुरु अतिथि विप्रेयर पति देवता है, छह देवता तो मनुज देवता, देवता तो ऊपर है जो है, लेकिन ये धरती पर छह देवता है, माता पिता अतिथि
विप्र यानी ब्राह्मण पति और गुरु। आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए इस गीत को मैंने कहना उचित समझा, क्योंकि गुरु का दिन है तो माता पिता गुरु अतिथि विप्र और पति देवता है, छह देवता तो मनुष्य देवता, इन छह को मनुष्य होते हुए भी देवता कहा गया, सब मनुष्यों को देवता नहीं कहा गया, केवल इन छह को देवता कहा गया। अब क्यों कहा गया सुनिए आगे। भृगु ने किया भृगु ने किया श्री हरि का अपमान है, हरि ने बढ़ाया उनका ही मान है। भृगु ऋषि ने जाकर के भगवान नारायण के छाती में पैर से चोट कर दी, लात मार दी भगवान विष्णु के जब छाती में, तो भगवान विष्णु नाराज नहीं हुए, उन्होंने उनका मान बढ़ाया। देखिए मेरी पहली लाइन पर अपमान, दूसरे पर मान, अब तीसरे पर देखिए। कहा भगवान विष्णु ने आप तपोनिधि ज्ञानी और श्रीमान है, पूजा मेरे घर आए मेहमान। पहली लाइन पर अपमान, दूसरे पर मान, तीसरे पर श्रीमान और चौथे पर मेहमान। क्या बात है। कहा भृगु ऋषि से भगवान विष्णु ने आपके इस अपमान में ही सम्मान छिपा है मेरा। कहने लगे आपने अपमान किया लेकिन मैं सम्मान मेरा छिपा है, क्योंकि सम्मान और सम्मान प्रभु दिल में अरमान है मेरा। या भी सम्मान और अरमान। कहा पहले तो आप हैं विप्र देव, सबसे पहले तो आप ब्राह्मण देवता है, क्योंकि क्योंकि कहा गया है कुछ जगह के चाय दे दीजिए। देखिए सोने के लिए अब सभी को चाय दे दीजिए। कहा भगवान विष्णु ने ओ देव देव आधीनम जगत सर्वम मंत्र अधीनश्च देवता, मंत्र ब्राह्मण आधीना तस्मात ब्राह्मण देवता। ये सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया। तो कहा भगवान विष्णु ने पहले तो आप हैं विप्र देव, दूजे बने आए अतिथि देव। कहा गया है कि अतिथि देवो भव, हमारे इस देश में अतिथि को भी देवता कहा जाता है, अतिथि देव। कहा पहले तो आप हैं विप्र देव, दूजे बने आए अतिथि देव, हम हैं केवल देव, आप तो डबल देवता है। हमको तो लोग केवल देवता कहते हैं, तुम तो डबल देवता हो गए, क्योंकि ब्राह्मण देवता भी हो और अतिथि देवता हो। हम है केवल देव, आप तो डबल देवता हो, छह देवता तो मनुष्य देवता है। क्या बात है राजा भैया जी। अब धीरे धीरे हमें एक बात और समझ में आई कि आप जितना सुंदर वादन भी करते हैं उतना सुंदर गायन भी कर लेते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए भगवान विष्णु ने इस बात को सिद्ध किया कि ब्राह्मण देवता है और मेहमान देवता है, अतिथि देवता है। अब देखिए माता और पिता को देवता किसने कहा या क्यों माता और पिता को देवता कहते हैं बता रहा हूं।
नाम श्रवण का हो। नाम श्रवण का दुनिया नहीं जाने, जो न जानता वास्तव में अनजान है। श्रवण कुमार एक ऐसा भक्त हुआ अपने माता पिता को जिसको सारा संसार जानता है, और जो नहीं जानता वो अनजान है। तो दुनिया रही जान है, और जो न जानता वास्तव में अनजान है। पहले लाइन पर जान जैसे अभी अपमान मान सम्मान श्रीमान और अरमान ऐसे चल रहे थे, अब जान देखे पहले पर जान दूसरा अनजान। मात पिता अंधो पर पड़े सुजान है, बेटे पर ले छावर उनकी जान है। जिसने जीवन दिया उसी से, जिसने जीवन दिया उससे बलिदान जान है मेरी, उसकी सेवा और आरती अजान है ये मेरी। आगे बैठे हैं पितृदेव, पितृदेव आगे बैठे हैं पितृदेव, पीछे बैठी है मातृदेव। आगे पीछे बैठे मेरे डबल देवता है, वहाँ भी डबल देवता भगवान विष्णु ने सिद्ध किया, अतिथि देव भव और विप्र देवता। और यहाँ भी श्रवण कुमार ने सिद्ध किया कि माता और पिता देवता है, मातृ देव भव पितृ देव। अब तीसरी बात देखिए, हे बालक तू कितना नादान है। गुरु द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वरदान दे दिया कि मैं जैसी वाण विद्या तुमको सिखाऊंगा किसी को नहीं सिखाऊंगा। और जब एकलव्य गए तो एकलव्य ने ऐसी वाण विद्या दिखाई गुरु द्रोणाचार्य को कि द्रोणाचार्य गए एकलव्य से दान मांगने के लिए। कहने लगे, हे बालक तू कितना नादान है, गुरु को कुछ भी अब तक किया न दान है। कहने लगे एकलव्य से, गुरु द्रोणाचार्य तू कितना नादान है, तूने अभी तक कुछ दान नहीं किया। लेकिन सुन, दान का कर सकता तू अभी निदान है, दान में मुझे अंगूठा कर प्रदान। और परम सम्मान्य परम आदरणीय स्वामी जी का भी आगमन हो गया है। वो कह रहे थे शाम को, कह रहे थे कि सुनना है और जल्दी शुरू करो, नहीं तो फिर हम सो जाएंगे। और मैंने फिर उनको उचित नहीं समझा उनकी नींद खराब करना, लेकिन उनकी कृपा हुई और वो पधार गए। परम आदरणीय स्वामी जी को कोट कोट सा नमन है मेरी तरफ से। कहना है जब कहा गुरु द्रोणाचार्य ने, दान का कर सकता तू अभी निदान है, दान में मुझे अंगूठा कर प्रदान है। पहले में नादान, दूसरे में दान, तीसरे में निदान और चौथे में प्रदान। का
एकलव्य से कि अगर मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो अपना अंगूठा काट कर मुझे प्रदान कर। तो एकलव्य कहने लगा, सुनिए गुरुजी, गुरुवर जो भी मांग रही मैं हंसकर दान करूंगा, एक अंगूठा क्या सारा मैं तन बलिदान करूंगा। कहने लगे, आप गुरुजी मुझसे अंगूठा मांग रहे हैं, अगर आप कह दें तो मैं अपनी जान दे सकता हूं, पूरा शरीर आपको दे सकता हूं, क्योंकि गुरु ब्रह्म देव गुरु विष्णु देव। लिखने वाले ने लिखा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यानी गुरु साक्षात ब्रह्मा है, लेकिन जब उसने सोचा कि ब्रह्मा से भी बड़े हैं गुरु, तो उन्होंने लिखा गुरु विष्णु। जब देखा कि विष्णु से भी बड़े हैं गुरु, तो लिखा गुरुदेव महेश्वरा। लिखा कि गुरुदेव महेश्वरा, और जब देखा इन तीनों से ऊपर हैं गुरु, तो उसने लिख दिया लिखने वाले ने कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो साक्षात पर ब्रह्म है। तो एकलव्य कह रहा है गुरु ब्रह्म देव गुरु विष्णु देव, गुरु ब्रह्म देव गुरु और गुरु कहलाते महादेव, गुरु कहलाते महादेव साक्षात परमेश्वर मेरे ट्रिपल देवता है। अभी डबल देवता चल रहे थे, अब ट्रिपल चलने लगे। कहने लगे क्योंकि आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात परमेश्वर मेरे ट्रिपल देवता है, छह देवता तो मनुज देवता है, छह देवता तो मनुज देवता है। अंतिम पंक्ति बनी कि पति को देवता क्यों कहा गया, किसने कहा? क्योंकि विप्र देवता हो गए, अतिथि देवता हो गए, मातृ देवो भव पितृ देवो भव और ये गुरुदेव, पांच हो गए, अब छठवें बचे। सुख दुख में पति के प्रति सद्भाव है, पतिव्रता नारी का यही स्वभाव है। लिखने वाले ने लिखा कि जो पत्नी जो पतिव्रता नारी चाहे पति परिवार में रहकर अगर पति के प्रति एक जैसा व्यवहार बना रहे, चाहे सुख हो तो उसी तरह का व्यवहार करे और दुख हो, पति दुख में हो तब भी उसी तरह का व्यवहार करे और सुख में हो तब भी उसी तरह का व्यवहार करे, ये पतिव्रता नारी का लक्षण है। क्योंकि उत्तम के जग पतिव्रता चार विधाई, चार प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं जगत में संसार में। उत्तम के अस बस मन माही सपने हो आन पुरुष जग नाही। जो उत्तम प्रकार की पतिव्रताएं नारियां होती हैं वो ऐसी होती है कि जिनके स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती, और मध्यम परपति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम प्रकार की पतिव्रता नारियां होती हैं वो ऐसी होती हैं कि अगर उनसे बराबर का होता है तो अपना भाई समझती हैं, अगर बड़ा होता है तो पिता समझती हैं, और छोटा होता है तो पुत्र समझती हैं। सुख और दुख में पति के प्रति सद्भाव है, पतिव्रता नारी का यही स्वभाव है, और उसके जीवन में ना कभी अभाव है,
स्वर्ग लोक तक उसका अमिट प्रभाव है। और परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री अनुभवानंद जी महाराज और सौभाग्य से ये परम आदरणीय परम सम्मानीय भैया राजेंद्र और अजीत भैया जी के पिताजी हैं और होने वाली पुत्री है जो वैष्णवी उनके नाना जी हैं जिनके द्वारा बाबा जी हैं जिनके द्वारा ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद हम सभी कलाकारों को प्रदान हुआ है। परम आदरणीय परम सम्मानीय महाराज जी के चरणों में कोट कोट सा अभिनंदन है नमन है। कहा गया स्वर्ग लोक उसके जीवन में ना कभी अभाव है, स्वर्ग लोक तक उसका अमिट प्रभाव है, क्योंकि सपने में जो देखे पति देव मानस में जो रटती पति देव पति से बढ़कर नहीं सती का कोई देवता है। कहा गया है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, ये केवल नारी कभी किसी देवता की पूजा न करे अगर वास्तव में सच्चे भाव से अपने पति की सेवा करे तो उसका तरण तारण होता है उसको सदगति मिलती है। इसलिए वो पति से बढ़कर नहीं सती का कोई देवता है, छे देवता तो मन ये 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 देवता है, छे देवता मन ये